जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नगर निगम भर्ती 2024 के बारे में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुपरवाइजर अकाउंटेंट, इसके अलावा क्लर्क की वैकेंसीज है। यहाँ पे योग्यता की अगर बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, आप सभी किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है आपने, आप अप्लाई कर सकते हो सुपरवाइजर वाली पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए। इसके अलावा अकाउंट्स में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 फॉर ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके बारे में। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे अकाउंटेंट सुपरवाइजर और कलर ग्रेड सेकेंड की निकली हुई है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो 9,345 वैकेंसीज है, जिसमें अकाउंटेंट की यहाँ पे 3,956 वैकेंसीज है। अकाउंटेंट में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास में यहाँ पे अकाउंट्स थी तो। इसके अलावा सुपरवाइजर सभी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1,945 वैकेंसीज है। कलर ग्रेड सेकेंड वाले भी यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन 12th क्लास पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो 3,444 पोस्ट के लिए। टोटल मिला के ये 9,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी ग्रेजुएशन मांगी गई है वो मैंने पहले आपको बता दिया अकाउंटेंट और सुपरवाइजर के लिए, वहीं 12th क्लास पास मांगी गई है कलर के लिए। अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन। इसकी डेट्स की मैं अगर बात करूं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं बता देता हूं आपको, लास्ट डेट है इसकी 10/2/2024, ये आप ध्यान रखना। जनवरी महीने की ये वैकेंसी है, इसकी एग्जामिनेशन टेंटेटिव है 15/3/2024, जो कि हो सकता है यहां पे मार्च या अप्रैल महीने में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा ली जाए। एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जैसे भी आपके नंबर आते हैं उस आधार पर आपका फाइनल, आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर से वो भी मैं आपको मतलब बता दूंगा कैसे क्या पैटर्न आता है इसमें, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कितना टाइम लग जाएगा इसमें फाइनल सिलेक्शन में, वो सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।